हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के टॉपिक से। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देखते हैं न्यूमेरिकल। फ्लैट सरफेस टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ईएसपी हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कलेक्टर प्लेट एरिया ए इज इक्वल टू 4600 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यू 200 मीटर क्यू पर सेकेंड, एंड इफेक्टिव डिस्पर्सिविटी ऑफ फ्लू गैस इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड। So we have to calculate the efficiency of the ESP. Option diye hai hame isme 0.968, 0.981, 0.975, 0.922. Dosto, yeh question ek important question hai, jo ki UGC NET ne pucha, dobara pucha sakta hai. Question ko solve karne ke liye jo formula isme use hoga, dosto, usse dekhte hain. Eta is equal to 1 minus E minus W A डिवाइड बाई क्यू। डब्ल्यू इज डिफ्रेसिटी, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये हमारा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। A हमारा है टोटल कलेक्शन एरिया, जो हमारा मीटर स्क्वायर में ही होगा। Q हमारा है वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो रेट, जो हमारा होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। दोस्तों, इन सब यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे, यानी कि मीटर सेकेंड में रखेंगे। तो इसमें हमें जो गिवन है, पहले हम देख रहे थे डिफ्रेसिटी हमें गिवन है, जो हमारा है 0.15 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो हमें दिया था 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, और कलेक्टर प्लेट एरिया हमें दिया था 4600 मीटर स्क्वायर। तो अब हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारा जो डब्ल्यू का वैल्यू है 0.15 मीटर पर सेकंड रखेंगे, 4600 मीटर स्क्वायर रखेंगे एरिया, और डिवाइड बाई क्यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मीटर से एक हुआ मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा एक हो गया, और सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो हमारा ये पूरा हो गया यूनिटलेस। ये हमारा यूनिटलेस हो गया, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.45 माइनस का। तो दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में एक डिफिकल्टी है, अगर आपके पास लॉग कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको आगे यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आपको e की पावर माइनस 3.545 की वैल्यू पता होनी चाहिए। या अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू हमारी है e की 3.45 की, e की पावर 3.45 इक्वल टू 0.0317। तो दोस्तों, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं है तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन मे बी यूजीसी नेट में ना पूछा जाए। तो इसका जो हमारा है ईटा इक्वल टू 1.0.0317, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी आएगी 0.9683 आएगा। इसका जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद।